No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Good morning, everyone. Good morning. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे. अभी इधर सब लोग सुबह नहीं है, अभी 9 बज गया, 8 आठ बज गया. सब लोग उठकर बातें कर रहे हैं और एक महान को देखो ऐसा लग गया था, मतलब इतना कंफर्टेबल है, सेफ्टी फील कर रहे हैं. और हम लोग चले, आप लोग भी आ रहे हैं? नहीं ना, मैं और प्रीति जा रहे हैं थोड़ा इधर, जस्ट फ्रेंड में सी है, उधर थोड़ा वॉक करने के लिए जा रहे हैं. ठंड है? नहीं है ना. थोड़ी देर 5 मिनट पहले धूप था. एक्चुअली बहुत धूप से ऐसे वेदर में जाना अच्छा लगता है. हाँ, सुबह हाँ, सुबह चला. उधर है ना? अरे इधर देखो, आइसक्रीम शॉप है. रोइंग बोट है इधर. सर्फिंग पर. हाँ, ये है ना, सुबह मैं देखा था ऐसा, एक हस्बैंड वाइफ लेके जा रहे हैं. अच्छा. हाँ, ऐसा बोट देखो, सबके घर में है बोट. इधर भी है बोट. हमारे घर में गाड़ी होता है ना. हाँ. कल संतोष मुझे पूछा, अंजू जब रिटायरमेंट लाइफ आएगा ना तो यहाँ के, हाँ, आकर रहना है कोई ऐसा पीसफुल. मैं बोला अभी भी पीसफुल एरिया पे ही रह रहे हैं. नहीं तो आपको जाना है तो आपको गार्डनिंग आता है, घर का मतलब खुद का कुछ खाना बनाना आता है, ये सब करना आता है, तो मैं रेडी है किधर भी. नहीं, फ्रेंड्स लोग आते हैं ना. हाँ, अच्छा लगता अच्छा है. हाँ, अकेले नहीं, नहीं. थोड़ा कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, फिर बोर हो जाएगा. ये सैंड बीच है. मेरे इंडिया के जैसा है ना. ये देखो, बैट का बेबी है शायद, लेकिन मर गया. एक्चुअली हमारा प्लान क्या था ना, स्नोडोनिया. जिन लोग वेल्स गया उन लोग तो गया होगा स्नोडोनिया, बहुत सुंदर उधर का एक समिट. हाँ, तो वो ट्रेन में जाना है, मतलब वो ट्रेन भी बहुत सुंदर है ना. हाँ, लेकिन सेम भी है, नॉर्मल भी. वो हम लोग का लास्ट मिनट प्लानिंग है ना, वो टिकट सब सोल्ड आउट हो गया. कल रात को भी था 12 बजे. हाँ. लेकिन हम लोग बातें कर कर मतलब रूम के अंदर 5 मिनट में मतलब सोल्ड आउट हो गया. तो नहीं तो मैं प्रीति जाने का प्लान था, संतोष वो लोग गो कार्टिंग के लिए जा रहे हैं बच्चे लोग, तो वो लोग उधर जाएंगे क्योंकि गो कार्टिंग में खुशी और अक्षु अलाउड नहीं है. ये गोक्वारी गो कार्टिंग. हाँ हाँ, तो प्रोफेशनल आई थिंक 16 इयर्स एंड अबव अलाउड. वापस रास्ता मालूम है? नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रही हूँ सडनली हम लोग बातें करें कहाँ तक आ गए. इधर से ऊपर है लेकिन फिर ऐसा जाना पड़ेगा शायद. हाँ, है रास्ता. किधर आ गए? उस तरफ घर देखो, बहुत सुंदर सुंदर, एक ही जैसा है ना. हाँ, हाँ. लोग, हाँ, सब आगे. सब लोग है ना यूके प्लान कर रहे, तो लंदन ट्रिप प्लान करते हैं. लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, लंदन से बाहर जाओ, ऐसा वेल्स स्कॉटलैंड वो सब जगह जाओ. हाँ, लंदन थोड़ा क्या बोलते हैं, ओवर सिटी. हाँ, सिटी लाइफ, लेकिन मतलब वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. वो है, अच्छा है, कॉट्सवॉल्ड है. हाँ, लंदन ब्रिज के उधर है ना. हाँ, लेकिन वो एक दिन का. हाँ, एक या दो दिन बेसिकली. हाँ, उसके बाद तो फिर बोर हो जाएंगे. लेकिन ये सब जगह कितना भी ऐसे वॉक कर लो, हर जगह पे अलग अलग ब्यूटी देखने के लिए मिलेगा. हाँ, वो तो है. हाँ,
वेल्स, कॉर्नवॉल, वो भी बहुत सुंदर है। कॉर्नवॉल अभी हमारा नेक्स्ट है। खुशी गई है, उसका दोस्त का घर उधर है, मतलब वो लोग का समर होम, समर क्या बोलते हैं, वेकेशन होम उधर है। अच्छा, तो खुशी जाती है उसके फ्रेंड के साथ स्लीप ओवर के, मतलब स्लीप ओवर नहीं, जो भी लॉन्ग वीकेंड आते हैं। एक कॉफी शॉप है इधर, उसके सामने पार्क किया, ऐसा कार पार्क करते है ना वैसे। वॉक कर कराया, इधर जेंट्स लोग किचन में है, कुछ तो स्मेल हो रहा है बर्न होने का, चाय गिर गया होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, अभी 10:30 कुछ हो गया है, 11 बजे के अंदर घर से निकलना है। तो इनका एक लीफलेट है, उसमें लिखा है, इनका एक लीफलेट है उसमें लिखा है जो बैटमैन जो भी ड्यू कवर सब है ना, हटाकर एक ऑनर में डालने के लिए जाने के पहले, तो वो मैं कर रहे हैं, बाकी सब पैकिंग सब हो गया। हाँ हाँ, हमेशा की तरह फ्लास्क में चिंग्स रेडी हो रहे है। ये संतोष इधर पैकिंग, पैकिंग हो गया, जो जो वॉश करने का कपड़ा मैं सेपरेट रखा है वो सब एक साथ कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद। सब कुछ ड्यू कवर, पिल्लो कवर सब हटाकर इधर कॉर्नर में डाल दिया। हाँ संतोष अभी बाथरूम में कुछ है, ब्रश मतलब पेस्ट कुछ है वो सब चेक करने के लिए गया, बाकी सब कुछ पैक हो गया। और मैंने हाउस टूर का एक वीडियो बनाया था, वो आप लोग जाकर चेक करना, बहुत सुंदर। कुछ तो 1890 का घर है ये, लेकिन कितना अच्छे से वो लोग मेंटेन करके रखा है। इधर का घर है ना थोड़ा इटली का घर जैसा है, बहुत वो फेंस भी है ना, थोड़ा लंदन से थोड़ा डिफरेंट है, इधर थोड़ा इटली का एटमोसफियर देते है इधर। आप लोग जाकर घर का टूर देखकर आ जाओ, तब तक हम लोग थोड़ा और टेडी अप सब कर लेते हैं। ये है घर, इधर बैठने के लिए जगह है और दो गाड़ी आराम से पार्क कर सकते। चलो अभी घर के अंदर चलते हैं। इधर क्यूट सा एक लेटर बॉक्स है, अंदर गया तो थोड़ा बहुत ऑलरेडी मिस ही हो चुका है क्योंकि हमारा सामान। इधर एक शू रैक है, कोट सब डालने के लिए इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, हमारा सूटकेस सब इधर रखा है। और ये टाइल्स भी बहुत सुंदर है ना। और इधर से घर के अंदर एक मिरर, एक मिनट एक मिनट, पीछे ये सब बंद करके रखा है। नो नो, दे कैन ओपन दिस, वो स्टोरेज है ना। या वी कैन लाइक दिस। हाँ ठीक है, स्टोरेज रूम है, उसका जरूरत हम लोग को नहीं है। और ये है लिविंग स्पेस, बहुत सुंदर सजा कर रखा है, टीवी वगैरह है। और ये टेबल टेनिस खेलने के लिए, उधर पूल है उसके ऊपर ये टेबल, ये रखकर टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। तो अभी ये लोग पूल खेल रहे हैं। और इधर सब बैठने का जगह है, सुंदर एक वॉल पिक्चर है, सोफा इधर भी है। और इधर गया तो हमारा किचन ऑलरेडी हम लोग फैला चुका है क्योंकि बहुत सारा सामान खरीद लिया है। देखो काफी बड़ा किचन है, सब कुछ है इधर, डिशवाशर सब कुछ है, उधर भी एक वॉशरूम है, आयरन बोर्ड है उधर, वॉशिंग मशीन है, बाथरूम भी है उसके अंदर, सब कुछ है। और देखो गार्डन, इधर बारबेक्यू कर सकते हैं। और अभी ऊपर चलते हैं। गया तो इधर एक मिरर है, एक मिरर और ये एक बेडरूम, व्हाई एम आई हियर,
देखिए ये चेयर बहुत सुंदर है ना, ये चेयर और बेडरूम, टीवी है, दो स्टोरेज है, वो ओपन नहीं कर सकते इधर से। दिस वन इज प्राइवेट स्टोरेज, दिस वन यू कैन ओपन। ओह देखो, और इधर भी एक मिरर, एक बाथरूम। लुक एट दिस, लुक एट दिस लाइट। बाथरूम काफी बड़ा बाथरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन। और इधर से ऊपर गया तो इधर एक बाथरूम, ए बी एक डबल बेडरूम का साइज का है, नहाने के लिए इधर बाथटब है, सब कुछ है। और ये एक बेडरूम, बहुत सुंदर सा एक बेडरूम। Wait, should I on the lights and show them what it looks like? देखा। How do you on it? और इधर से, oh, इधर भी बैठने के लिए जगह है, क्यूट सा एक टेबल, काफी बड़ा रूम है। और इधर से ऊपर गया तो बच्चे लोग का रूम है। साइड में दिस वन दो बेड है और एक बाथरूम इधर भी है। हाँ देखा, बाथरूम सब बाथरूम में एक चेयर डालकर रखा है। एक और बेडरूम है, और बच्चे लोग के लिए मतलब इधर ये वो बाथरूम देखा है ना, इधर से भी डोर है। करना खुशी हाउस टूर देखा है ना, बहुत अच्छा घर है। अभी इधर संतोष महिलो का सामान सब क्लीन कर रहे हैं, बाकी किचन पूरा क्लीन हो गया। Life is a winding road,